आदमपुर के चुनावी दंगल में आत्मघाती गलतियां निर्णायक साबित हो रही हैं। इस चुनाव में सभी चारों खेमों ने बड़ी गलतियां की, जिसके चलते उपचुनाव का गणित गड़बड़ा गया है। सबसे बड़ी गलती बीजेपी ने की। बीजेपी ने गठबंधन सहयोगी जेजेपी को अनदेखा करने का काम किया, उसे इग्नोर करने का काम किया, उसे हल्का मानने का काम किया। आदमपुर में 2019 में जेजेपी को 15,000 वोटर मिले थे। इन वोटों का समीकरण, इन वोटों की संख्या उपचुनाव में डिसाइडिंग फैक्टर साबित हो रही है। अगर बीजेपी ने जेजेपी को पहले दिन से साथ लिया होता तो आज बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई 30,000 वोटों से ज्यादा की संख्या में जीत रहे होते। लेकिन बीजेपी के और कॉन्फिडेंस ने इस सारी की सारी कहानी को पलट दिया है और इस बड़ी लापरवाही के कारण कांग्रेस प्रत्याशी जेपी बीजेपी प्रत्याशी के बराबर में आ खड़े हुए हैं। अगर किसी कारण से उलटफेर हो गया या मार्जिन 5-10 हजार का रहा तो उसके लिए जिम्मेदार बीजेपी की लापरवाही रहेगी, क्योंकि अगर बीजेपी ने जेजेपी को साथ लिया होता तो आज ये दिन ना देखना पड़ता और मामला ये मुकाबला कांटे का नहीं बनता। आज जेजेपी के लिए खोने के लिए कुछ नहीं है, लेकिन अगर किसी वजह से बीजेपी प्रत्याशी हार गया तो बजनलाल परिवार और बीजेपी दोनों को उसका बड़ा सियासी खमियाजा भुगतना पड़ेगा। कांग्रेस ने भी बड़ी गलती की। भूपेंद्र हुड्डा परिवार ने और कॉन्फिडेंस में आकर कांग्रेस के दूसरे नेताओं कुमारी शैलजा, रणदीप सुरजेवाला और किरण चौधरी को उपचुनाव में भागीदार नहीं बनाया। कांटे के मुकाबले में अगर कांग्रेस के ये तीन बड़े नेता चुनाव प्रचार में शामिल होते तो चुनाव परिणाम में कांग्रेस का पलड़ा भारी हो जाता। लेकिन हुड्डा परिवार को यह घमंड था कि उन्हें इन नेताओं की जरूरत नहीं है और वे अपने बलबूते पर चुनाव जीत कर ये दिखाएंगे कि बाकी नेताओं की न तो कांग्रेस में जरूरत है और उनके बगैर भी चुनाव हुड्डा परिवार जीत सकता है। हुड्डा परिवार की यह लापरवाही, यह घमंड, यह और कॉन्फिडेंस भी उनके प्रत्याशी जयप्रकाश पर भारी पड़ रहा है। अगर इन नेताओं के साथ में हुड्डा परिवार खड़ा होता तो आज कांग्रेस प्रत्याशी जेपी की जीत का दावा बढ़ जाता। आम आदमी पार्टी ने भी बड़ी गलती की। आम आदमी पार्टी के लिए आज अरविंद केजरीवाल चुनाव प्रचार के लिए आ रहे हैं। अरविंद केजरीवाल को आज से 10 दिन पहले चुनाव प्रचार में आ जाना चाहिए था, बल्कि ये कह सकते हैं कि केजरीवाल को नामांकन के दिन यहां पर मौजूद रहना चाहिए था। केजरीवाल ने इस इलेक्शन को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके चलते आम आदमी पार्टी का चुनावी ग्राफ बेहद नीचे चला गया है और उसके जमानत बचने के भी आसार नहीं है। जो आम आदमी पार्टी 20 दिन पहले बीजेपी और कांग्रेस को टक्कर देती हुई नजर आ रही थी, वो आम आदमी पार्टी आज 5-7 हजार वोटों के लिए भी संघर्ष कर रही है और उसके रसूख बचने के कोई चांस नहीं है। अगर अरविंद केजरीवाल ने इलेक्शन को गंभीरता से लिया होता और अपने प्रत्याशी को पूरा बैकअप दिया होता तो आम आदमी पार्टी इस खस्ता हाल में नहीं पहुंचती। इनेलो ने भी इस उपचुनाव में बड़ी गलती करने का काम किया। उसे कुड़ारा नंबरदार के तौर पर एक अच्छा प्रत्याशी मिला था, लेकिन अभय चौटाला उनकी अहमियत को समझने में नाकामयाब रहे, उन्हें पूरी सपोर्ट करने में नाकामयाब रहे और चुनाव प्रचार को ढीला रखने का काम किया। अगर इनेलो पूरी ताकत के साथ चुनाव लड़ती, पूरे संसाधनों के साथ चुनाव लड़ती और पूरे कैडर को आदमपुर में लगाती तो इनेलो प्रत्याशी कुड़ाराम नंबरदार उसका रसूख बचा सकते थे, उसे 10,000 से ऊपर पहुंचा सकते थे। इनेलो के लिए चुनाव बेहद अहमियत रखता है, लेकिन इसके बावजूद अभय चौटाला ने इस चुनाव में वो गंभीरता नहीं दिखाई जो उनकी पार्टी के खोए हुए रसूख को वापस ला सकती थी। इस तरह से चारों ही पार्टियों ने इस उपचुनाव में बड़ी गलतियां की, जिसके चलते चुनाव कांटे में फंस गया है और जो एक तरफा चुनाव बीजेपी प्रत्याशी के लिए होना चाहिए था वो कांग्रेस के प्रत्याशी ने कांटे की टक्कर में बदल दिया है। ये कांटे की टक्कर जयप्रकाश की लोकप्रियता या हुड्डा परिवार की लोकप्रियता की नहीं है, बल्कि गठबंधन की प्रमुख पार्टी बीजेपी की बड़ी गलती और आत्मघाती गलती की है। अगर जेजेपी को पहले दिन से साथ लिया होता तो आज आदमपुर में बीजेपी प्रत्याशी भव्य बिश्नोई 30-40 हजार वोटों से जीत रहे होते। लेकिन अब चीज देर काफी हो चुकी है। आज दुष्यंत चौटाला प्रचार के लिए आ रहे हैं, लेकिन यह हकीकत है कि जेजेपी के अधिकांश वोटर जेपी के साथ शिफ्ट हो चुके हैं, ऐसे में उन्हें वापस रातों रात लाना संभव नहीं होगा। आत्मघाती गलती ने बीजेपी को गहरे संकट में डाल दिया है, कांग्रेस के चुनाव की जीत को संभावना कम किया है और आम आदमी पार्टी व इनेलो के रसूख का बंटाधार करने का काम किया है।